अपनी बात आपके बीच में रखता हूं, लोगों के बीच में रखता हूं, और जब रखता हूं तो पूरी तरह से रखता हूं। आपने मुझे यहां बुलाया है, इसलिए मैं आया हूं। 10 बार बुलाया तब मैं आया हूं, और 1 बार भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं यहां से चला जाऊंगा। बुलाया है तो सुनना तो पड़ेगा। बुलाया है मेहमान को, बुलाया है तो मेहमान की 2 बातें तो सुनना पड़ेगी। आश्चर्यदंशियम इतना से है, अपने आप अपने घर को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए, पैसा कमाने में इतना गफलत मत हो जाइए कि आपकी असली संपत्ति जो औलाद है वो आपके हाथ से निकल जाए। असली दौलत तो वही है ना, असली दौलत तो वही है। और मैं लोगों से अपील भी करता हूं, भाई लोगों से अपील करता हूं कि आपने जो गाड़ी मेहनत से कमाई की है वो कमाई घर आकर के पत्नी के हाथ में रख देना, क्योंकि घर की असली लक्ष्मी तो वही है। जो लक्ष्मी तिजोरी में बंद है वो तो पता नहीं कब तुम्हारा साथ छोड़ दे। जो तिजोरी, जो लक्ष्मी तिजोरी में बंद है वो पता नहीं कब तुम्हारा साथ छोड़ दे, पर ये लक्ष्मी तो आखिरी दम तक तुम्हारा साथ निभाने वाली है। इसलिए असली लक्ष्मी यही है। जो भाई बाजार की लक्ष्मी से शराब पीता है और घर में बैठी हुई लक्ष्मी का अपमान करता है, गाली गलौज करता है, उसके साथ मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है, याद रखना उस घर से दोनों लक्ष्मी बाहर हो जाती है। तिजोरी की लक्ष्मी तो पीछे के दरवाजे से बाहर हो जाती है, और घर की लक्ष्मी सामने के दरवाजे से बाहर हो जाती है। शराब पी करके पति अगर घर आएगा तो उसका घर क्या कहलाएगा, सोचिए। अगर पति शराब पीता है, शराब का नशा करके आता है, उसके घर में उसके परिवार में क्या खुशियां होगी, वो अपने परिवार में अपने बच्चों को कैसे संभाल पाएगा, उसके परिवार का मान सम्मान बुजुर्गों का पुरखों का दिया हुआ यश कब तक कायम रहेगा, सोचिए। गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, शराब तालाब नदी कुआं बावड़ी में डूबकर अब तक जितने लोग नहीं मरे हैं उससे ज्यादा लोग शराब की छोटी सी प्याली में डूब करके मर गए हैं। तालाबों में डूब करके, नदियों में डूब करके अब तक जितने लोग नहीं मरे उससे अधिक लोग शराब की छोटी सी प्याली में डूब करके मर गए हैं। स्क्रीन की इतनी चिंता है, हेलमेट लगाओ ना, क्या तकलीफ है। नहीं, हमारा तो मेकअप खराब हो जाता है। तुम्हारे मेकअप की जीवन खराब हो रहा, वारंटी करा तुमको। और धूप से अगर स्किन खराब हो जाती है
तो सबसे ज्यादा खराब तो मेरी होना चाहिए। बोलो जरा, तुमको बोलने नहीं सबसे ज्यादा। अरे सच्चाई तो ये है कि धूप में रूप और अधिक निखरता है। अगर सच जानना चाहता है कोई तो सच ही है कि धूप में रूप और अधिक निखरता है। प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो फिर सर्दी के मौसम में सर्दी पड़ेगी, बरसात के मौसम में बरसात। ये प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। आपसे ज्यादा चिंता प्रकृति आपके लिए करती है, आपसे ज्यादा चिंता। समझदारी दिखाओ, समझदारी दिखाओ। आदमी पढ़ लिख गया और पढ़ लिख करके बहुत हाई एजुकेशन ले ली है, लेकिन मुझे लगता है समझदारी नहीं है। आदमी साक्षर तो हो गया लेकिन जीवन में कोई विवेक नहीं आया, कोई समझदारी नहीं आई। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, समझदारी कम। चतुराई बड़ी है, दूसरे सामने वाले को बेवकूफ कैसे बनाना आदमी को अच्छी तरह मालूम है। इसको समझदारी नहीं बोलेंगे, इसको चतुराई बोल सकते हैं, समझदारी नहीं। चतुराई का मतलब यह साक्षर होने का पूरा अर्थ नहीं होता है। जिंदगी में समझदारी भी आना चाहिए। पहले के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनके पास समझदारी थी। आज बस ज्यादा पढ़े लिख गए, हम चतुर हो गए, होशियार हो गए, चालाक हो गए। टेलीविजन ने आदमी को चालाक बना दिया, टीवी ने आदमी को चालाक बना दिया। जो कर्ता कुली का काम करता था आज वो विचार करता है मैं दिन भर कुली का सामान इधर उधर ढोता रहता हूं, मुझे दिन भर में 100-200 रुपए मिलते हैं। एक छोटा सा पैकेट, छोटा सा पैकेट हीरोइन इसमें है, छोटा सा पैकेट इधर से उधर कर दो, बॉर्डर के इधर उधर कर दो, मुझे 50,000 रुपए मिल जाएंगे। पूरी गिरवी छोड़ करके वो स्मेलिंग करने लगा, चालाक बना। और चालाकी काम नहीं है, परमात्मा के रास्ते पर चालाकी काम नहीं आती, होशियारी काम नहीं आती, चतुराई काम नहीं आती। अगर भगवान के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना है तो वहां चालाकी, चतुराई, होशियारी नहीं, थोड़ा सा भोलापन और थोड़ा सा पागलपन ही काम आता है। थोड़ा सा भोलापन, बच्चों जैसा बोला, चतुराई काम नहीं आएगी, समझदारी होशियारी काम नहीं आएगी। थोड़ा सा भोलापन, बच्चों जैसा बोला भोलापन और मीरा जैसा पागलपन। भगवान की भक्ति करती थी मीरा बैठ करके। उस सभा में एक संगीत विशारद भी बैठा हुआ था, मीरा गा रही थी। संगीत विशारद ने आंख बंद करके मीरा भक्ति कर रही थी। डायरेक्ट मीरा को कुछ बोलने की वजह है संगीत विशारद ने लिख दिया दीवार पर, राम से गाया करो। मीरा की भक्ति पूरी हुई, आंखें खोली, दीवार पर पड़ा, वहां लिखा था राम से गाया करो। मीरा ने उस शब्द के आगे एक शब्द और जोड़ दिया, अनुराग से गाया करो। लोगों ने पूछा मीरा जी ये राग अनुराग क्या होता, हमको समझता नहीं है। मीरा ने कहा राग से गाने से जगत प्रसन्न होता है, अनुराग से गाने से जगदीश प्रसन्न होता है। राग से गाने से जगत प्रसन्न होता है, अनुराग से गाने से जगदीश प्रसन्न होता है। अनुराग
बात कर कलाएं होती है, लेकिन मुझे लगता है उस बात कर कलाओं में सबसे बड़ी कला है दुख में से सुख खोज लेना। सबसे बड़ी कला, बहत्तर कलाओं में से सबसे बड़ी कला है दुख में से सुख खोज लेना। जिंदगी में दुख आएंगे, उन दुखों में से सुख को खोज लो। कोई दुख ऐसा नहीं होता जिस दुख में छोटे छोटे सुख के कण ना छुपे हों, ऐसा कोई दुख नहीं होता। हमारे जीवन में आने वाले दुख में से ऐसा कोई दुख नहीं होता जिस दुख में छोटे छोटे सुख के कण ना छुपे हों, उन सुख के कणों को पटोर लो और जीना कर शुरू कर दो। आज आधा दुख अपने आप खत्म हो जाए। बताओ कारण। साधु बाबा जा रहे थे, सामने से एक आदमी आ रहा था, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का, दुर्जन स्वभाव का था। साधु बाबा ने उससे पूछा, भाई कितना बज रहा है? उस आदमी ने घड़ी देखी, एक डंडा साधु के सिर में मारा और बोले, बाबा एक बज रहा है। कोई बताने का तरीका है क्या? एक डंडा मारा, बाबा एक बज रहा है। साधु बाबा खुशी के मारे नाचने लगे, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, बाबा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो आदमी तुम्हें डंडा मारता है और तुम रोने की बजाय, दुखी होने की बजाय खुश हो रहे हो, नाच रहे हो। साधु बाबा ने कहा, इसलिए नाच रहा हूँ, इसलिए खुश हो रहा हूँ, इसलिए उस ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूँ, इसे एक घंटे पहले नहीं पूछा। इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि इससे एक घंटे पहले, अगर मैं एक घंटे पहले पूछता डंडा का सिर पे पड़ना दुखता। लेकिन साधु बाबा ने क्या सुख खोज लिया? अच्छा हुआ, इससे एक घंटा दुख में से सुख खोज लिया। ऐसा नहीं है कि तरुण सागर का प्रवचन सुनने के बाद जिंदगी में कभी दुख नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन वो कला सीख, वो कला सीखो। एक महिला ने आके कहा, मुनि जी भगवान की कृपा से सब कुछ मेरे पास है, बस मेरा एक ही दुख है, मेरा पति कभी मंदिर नहीं जाता। भगवान की कृपा से सब कुछ है मेरे पास, लेकिन ये एक ही दुख है, मेरा पति कभी मंदिर नहीं जाता, मेरा पति कभी सत्संग में नहीं जाता, मेरा पति कभी भगवान की पूजा नहीं करता। अब देखिए ना मुनि जी, रोज जब मैं मंदिर जाती हूँ, मेरा पति स्कूटर पर बिठा करके मुझे मंदिर लाता है, मैं अंदर भगवान के दर्शन के लिए जाती हूँ, मेरा पति बाहर सड़क पे खड़ा है, मैं उसको बोलती हूँ चलो तुम ही दर्शन कर लो, लेकिन वो मेरी बात कभी सुनते नहीं है। दुनिया आपको क्रांतिकारी कहती है, अगर मेरे पति को समझा दो तो मैं मानू कि तुम क्रांतिकारी हो। बड़ी चुनौती दी। मैंने कहा उस महिला से, बहन इस बात के लिए पति की आलोचना मत कर कि वो मंदिर नहीं जाता है, बस इस बात के लिए पति को धन्यवाद दे कि वो तुझे मंदिर जाने से कभी मना नहीं। मंदिर नहीं जाता, सत्संग में नहीं जाता है, बल्कि
बल्कि स्वार्थ के लिए उसे जन्म दे, वो तुझे कभी मंदिर जाने से मना नहीं करता है, सत्संग में जाने से मना नहीं करता है, दान पुण्य करने से मना नहीं करता है, इस बात के लिए धन्यवाद दे। उस महिला ने कहा, मुनि जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा आप सोच ले, पति मंदिर नहीं जाता दुख, लेकिन उस दुख में से ये सुख खोज लिया, हमें जाने से मना। हम कितनी भी देर मंदिर में रहे, कभी भी अपनी इच्छा से कहीं जरूरत पड़े तो दान बोल दे, लेकिन मना नहीं करते। ये सुख खोज लिया, ये सुख खोज लिया। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले मुनि जी बहुत गरीब आदमी दिवाली सामने, मेरा पड़ोसी आज ही 10,000 रुपए के पटाखे लेकर आया, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने कहा इस बात का दुख मत कर के तू गरीब है, तू सोच ले, पड़ोसी पटाखे लेके आया, तेरे पास पटाखा लेने के लाने के लिए पैसे नहीं है, तू विचार कर। पड़ोसी पटाखे लेके आया, तू विचार कर, वो तेरे ही फटाके हैं, क्योंकि फटाके ऊपर किसी का नाम तो लिखा नहीं, फटाके बाहर किसी का नाम तो लिखा नहीं होगा, सोच तेरे ही फटाके हैं। और जब वो सड़क पे घर के सामने फटाके फूट रहे हो तो तू सोचना तेरे ही फटाके फूट रहे हैं, कोई भी फटाके घर के अंदर तो फोड़ेगा नहीं, कायदे की बात है, कोई भी फटाके घर के अंदर तो फोड़ेगा नहीं, सड़क पे फोड़ेगा, तो तू अपने घर के सामने बैठ जाना और सोचना वो मेरे ही फटाके फूट रहे हैं। वो भाई बोला, मुनि जी अगर मेरे फटाके होते तो मैं अपने हाथ से ना फोड़ता। मैंने कहा सोचना, मालिक तो बैठा बैठा देखता है, नौकर काम करता है। काय देखी बात है, मालिक बैठा, मालिक बैठा बैठा देखता है, नौकर चाकर। नौजवान बोला, मुनि जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा आप सोच रहे,